Well, FVTOCI. Now, this is the method based on which we will be classifying our investment in equity instruments. Okay. So, your attentions would be required. I'll discuss a scenario in it and you will see that how we are treating it and how it is different from FVTPL. Okay. Well, as far as FVTOCI is concerned, we know very well. कि दिस इज इनफेक्ट द मॉडल जिसमें हमने जो मेजरमेंट डिफरेंस है फेयर वैल्यू का उसको लेकर जाना है या उसको अकाउंट फॉर करना है अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वेल ओके अब ये कब और क्यों इसको अप्लाई करते हैं ऑब्वियसली अप्लाई करते हैं एट ईच रिपोर्टिंग डेट ओके okay, कब तो बात खत्म हो गई क्यों अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है कि हमने उस इन्वेस्टमेंट को जो जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया उसको होल्ड किया हुआ है दो मकसद हो सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली जो बात है वो है कि हमने उसे मैनेज करना है उसकी प्रॉफिट्स को बाय सेलिंग द एसेट हाँ उससे पहले का जो मकसद है उसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज लेने आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उससे कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज़ अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंट कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड है कि आपको हर साल या हर क्वार्टर में या हर मंथ में इतना कैश फ्लो मिलेगा तो कैश कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज रिसीविंग लेकिन अल्टीमेटली यू विल सेल दिस इन्वेस्टमेंट टू मैनेज योफि यह वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस नहीं मैयर होता बल्कि फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम यानी कि फर्क क्या है आपने उसी तरह से इसकी मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू डिटर्मिन करनी है लेकिन जब वो डिफरेंस आएगा उसको प्रॉफिट लॉस में नहीं आपने प्रेजेंट करना बल्कि अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में प्रेजेंट करना बात इतनी सी है लेकिन एक और छोटी बात है आइए इस स्नैरियो के अंदर उसको सीखते हैं स्नैरियो ये है वही है जो आपने लास्ट मॉड्यूल में भी देखा था सादा सा कि आपने सिंबल कंपनी के 500 हंड्रेड इक्विटी शेयर बाय किए एक लाख रुपए में इजी रखा हुआ वन हंड्रेड में यू परचेज फाइव शेयर्स इक्विटी शेयर्स इन सिंबल कंपनी एंड यू पेड अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ वन थाउजेंड रुपीज एंड नाउ रिमेंबर यू आर फॉलोइंग फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम यहां पर आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एसेट में डेबिट करना होगा रिकॉल कर लीजिए जो आपने एफ था वहां पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया था इधर एसेट में करेंगे अभी हम देख लेंगे और रिपोर्टिंग डेट पर इसकी रीमेजरमेंट की एंड बेस्ड ऑन दैट रीमेजरमेंट वन इज इट्स फेयर वैल्यू वेल अब वो जो इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर डेबिट हो रही है 100 से और आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी एसेट के तौर पर डेबिट हो रही है या अब आपका एसेट वन हंड्रेड एंड वन थाउजेंड का हो गया अब मेजरमेंट आपकी है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड पर माइनस करें वन हंड्रेड एंड वन थाउजेंड वॉट लेफ्ट फर्दर एसेट्स में डेबिट करते हैं अब आप उसको एसेट में डेबिट कर रहे हैं सो ऑल टूगेदर यू हैव टोटल एसेट्स

इसको कैटेगराइज करना है या क्लासिफाई करना है इन दोनों मेथड्स की वो इन दो जगहों पे फर्क आता है मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस कर लिया ट्रांजेक्शन कॉस्ट एफईटीपीएल में प्रॉफिट लॉस को एक्सपेंस आउट हो जाएगी ओसीआई में एसेट में डेबिट हो जाएगी और उसके बाद रीमेजरमेंट गेन और लॉस एफवीटीपीएल में प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा एफईटीओसीआई में अदर कॉम्प्रीह में जाएगा And that's it. Thank you.